तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस आगे भी आपके लिए आते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का जीके का टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और टॉपिक है फ्रेंड्स, आज हम भारतीय रेलवे के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप वन लीनियर क्वेश्चंस बुक्स वगैरह में पढ़ते होंगे या फिर अदर चैनल्स में देखते होंगे, तो दिक्कत होती है कि जब आप पढ़ते हैं तब तो चीज़ें आपको याद होती हैं, लेकिन बाद में आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं क्योंकि कोई लिंक ही नहीं होता उन क्वेश्चन और आंसर के बीच में। तो आज हम आपको ट्रिकी माध्यम से रिलेट करके याद कराने की कोशिश करेंगे, ताकि जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आंसर घूमे और जैसे ही आप ऑप्शन देखें आपको आंसर याद आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आपको ट्रिकी वे में समझाने की। चलिए चालू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर है 16 अप्रैल 1853। रेल अप्रैल इस तरीके से लिंक हो जाएगा। और अगर आपको याद हो 1857 की क्रांति, लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, झांसी की रानी ने भी उसमें पार्ट लिया था, और लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उससे वो काफ़ी परेशान थी। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि 1857 के आसपास का समय था, ताकि जैसे ही आप आंसर देखें तो आप आंसर आराम से टिक कर सकें। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल कब और कहाँ चली? तो आप सभी जानते हैं 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली। अब क्वेश्चन ये हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिक्कत ये होती है कि उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो आपका आंसर है कि उसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। तो आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं कि जब ट्रेन चली होगी नई नई चीज़, तो लोग डर डर कर उसमें नहीं चढ़ रहे होंगे, तो मुश्किल से 3 या 4 लोगों ने उसमें चढ़ा होगा, यात्रा किया होगा। ये जस्ट रिलेट करने के लिए है, ऐसा नहीं था कि उस समय वाकई में 3 या 4 लोग चढ़े थे। तो इस तरीके से 34 किलोमीटर वहाँ से रिलेट हो जाएगा। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। हमारे भारत का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में ही होगा। भारतीय रेलवे पर किसका एकाधिकार है? भारत सरकार का। अब भारतीय रेलवे है तो जाहिर सी बात है भारत सरकार ही होगी। और भारतीय रेलवे में जब भी कोई दुर्घटना होती है तो मुआवजा दिया जाता है। किसी प्राइवेट कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मुआवजे के तौर पर एक एक परिवार को 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए दे। ये सिर्फ सरकार ही कर सकती है, इसलिए भारतीय रेलवे पर भारत सरकार का एकाधिकार है। ना ही आपने किसी प्राइवेट कंपनी का नाम कभी सुना होगा रेलवे से रिलेटेड। आगे बात करते हैं, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? 17 जोन। अब 17 को कैसे रिलेट करेंगे? तो रेलवे में यात्रा करना बहुत ही खतरा वाला काम होता है, तो 17 खतरा इस तरीके से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। हम जस्ट आपको रिलेट करा रहे हैं कि कम से कम आंसर देख के आपके दिमाग में तुरंत टिक लगाने के लिए आपको श्योर हो जाए कि हाँ ये आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेल का रूट सबसे लंबा होता है? तो आंसर है विवेक एक्सप्रेस। अब सबसे लंबा रूट है तो हमें लंबी यात्रा करने के लिए धैर्य रखना होता है, विवेक रखना होता है, धीरज रखना होता है, तब जाके हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से विवेक वर्ड रिलेट हो जाएगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वडोदरा में। रेलवे का स्टाफ है, जाहिर सी बात है बहुत ही बड़ा स्टाफ होगा, तो बड़ा वडोदरा इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। भारत में सबसे पहले रेलवे टाइम टेबल किसने बनाया? जॉर्ज पैटसन ने। अब हम इसे कैसे रिलेट करेंगे? इसमें ब्रेड वर्ड देखिए, ब्रेड वर्ड आ रहा है। और जब भी हम अपने खाने पीने का टाइम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ब्रेड खाते हैं। ये मैं याद कराने के लिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स। अब आप क्रॉस क्वेश्चन मत करिएगा कि हम तो ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाते ही नहीं हैं। तो जस्ट लिंक करने के लिए है कि हम अगर टाइम टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले हम ब्रेड खाने का टाइम निश्चित करते हैं, ब्रेड टाइम टेबल सबसे पहले। तो ये सारे वर्ड्स आपको यहाँ से रिलेट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे पहले रेलवे जो टाइम टेबल था जॉर्ज पैटसन ने बनाया था। फिर है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? मथुरा में है। तो जैसे कि आप जानते हैं सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, यानी कि सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पर। और जो हमारे कृष्णा जी थे वो मथुरा से थे, तो इस तरीके से लेट हो जाएगा कि वहाँ पर धार्मिक
चीज़ों के लिए लोगों का आना जाना होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ जमती है, इसलिए वहाँ का जंक्शन भी क्या है, बहुत बड़ा है। आगे बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है, तो आपका आंसर है खड़गपुर में। अब बड़ा बड़ा आ रहा है यहाँ पे, तो जो बड़े लोग होते हैं थोड़े खड़क होते हैं, थोड़े गुस्सेल मिजाज के होते हैं, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है खड़गपुर, जो कि कलकत्ता में है। भारत के आज़ाद होने के बाद सबसे पहले रेल मंत्री बने थे हमारे जॉन मथाई। आप इनके नाम से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, जॉन मथाई एक इंडियन है और सबसे पहले ही जो थे हमारे यहाँ के रेल मंत्री बने थे। आप इसे कैसे लेट करेंगे, जॉन मथाई, जोन इसमें भी वर्ड आ रहा है जोन, और भारतीय रेलवे को भी 17 जोन में बांटा गया है, तो इन्होंने ही 17 जोन में बांटा होगा अपने नाम के हिसाब से, इस तरीके से आप से लेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज रेल की चौड़ाई कितनी होती है, तो जो ब्रॉड गेज होती है उसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर, और जो नैरो गेज होती है उसकी लंबाई होती है 0.762 मीटर, ये आपको याद करना पड़ेगा। भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी थी, तो आपका आंसर है डेक्कन क्वीन। इसे कैसे याद करेंगे, तो अगर आपको आईपीएल याद हो तो आईपीएल का पहला खिताब डेक्कन चार्जर्स ने जीता था। विद्युत यानी कि शक्ति, उनके अंदर बहुत शक्ति थी इसलिए उन्होंने पहला खिताब जीता था, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और ये चली थी कल्याण से पुणे तक, तो आईपीएल जीतने से जाहिर सी बात है डेक्कन चार्जर्स की टीम का कल्याण तो हुआ ही था, इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और बाद में आईपीएल के सफ़र में कौन जुड़ गया, पुणे, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस साल को ईयर ऑफ रेल यूजर्स घोषित किया, तो आपका आंसर है 1995। भारत का सबसे लंबा रेलवे चुनल है पीर पंजाल रेलवे चुनल। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है, तो भारत और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे मैत्री संबंध हैं, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, शताब्दी एक्सप्रेस, बहुत ही ईजी है फ्रेंड, देखिए कैसे। शताब्दी एक्सप्रेस यानी कि 100 साल, सत मतलब कि 100 साल, तो ऐसी कौन सी ट्रेन होगी जो 100 साल का सफ़र हमें मिनटों या घंटों में पूरी करा दे, तो जाहिर सी बात है शताब्दी एक्सप्रेस, इसके नाम से हम रिलेट कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया, 1905 में। अगर आपने काफ़ी टाइम पहले ट्रेन में सफ़र किया होगा तो ट्रेन में बीच बीच में कुछ बेचने वाले चढ़ते हैं, वो अक्सर जो भी चीज़ें होती हैं सस्ते में बेचते हैं, 5-5 रुपये उनका मिनिमम प्राइस रहता है, 5 रुपये में पेपर, 5 रुपये में चना, 5 रुपये मूँगफली, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। खैर अब तो महंगाई बढ़ गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था, आपका आंसर है विक्टोरिया टर्मिनल। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी। अब महिला और ममता, तो महिला का जो सबसे पहला गुण होता है वो होता है ममता, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और ये तो काफ़ी हाल का न्यूज़ है ममता बनर्जी, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है पहला और विश्व में है दूसरा, तो आप इसे क्रिकेट से रिलेट कर सकते हैं। वनडे में टीम इंडिया का जो रैंक है एशिया में वो फर्स्ट रैंक है, जबकि पूरे वर्ल्ड में सेकंड फर्स्ट होते रहता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मेजरली फर्स्ट रैंक पर रहती है, तो इंडिया को हम सेकेंड रैंक पर बोल सकते हैं, तो आप वहाँ से इसे रिलेट कर सकते हैं। भारत की पहली रेलवे सुरंग का नाम था पारसिक रेलवे। चलिए आगे बात करते हैं हम, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर है मुगल सराय, और सराय का मतलब होता है रुकने की जगह, तो सराय बड़ा होना चाहिए तभी वहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति रुक सकेंगे, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है मुगल सराय। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है, नेहरू सेतु। ये सबसे लंबा था जब ये बना था, अभी वर्तमान में ये सबसे लंबा नहीं है, अभी ये सेकेंड रैंक पर आता है, और इसे हम अपर सोन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। पुराने समय में ये सबसे लंबा था, पहले सबसे लंबा को रिलेट करते हैं। नेहरू, जैसे कि आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासन काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहा था, और कब था, पुराने समय में था, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि पुराने समय का जो सबसे लंबा रेलवे पुल था वो था नेहरू सेतु। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है लखनऊ। लखनऊ जिसे कि हम नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर लाखों के लोगों का आना जाना होता है। इसमें वर्ड देखिए लखनऊ, लख वर्ड आ रहा है, लख मीन्स लाख, तो लाखों लाखों लोगों का आना जाना होता है, इसलिए ये सबसे बिजी रूट है।
भारत की पहली मेट्रो कहाँ चली? तो कलकत्ता में, जैसे कि हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, तो जाहिर सी बात है इन्हीं सारे मेट्रो सिटीज़ से मेट्रो चली होगी। अब सबसे पहले कहाँ चली? तो इसमें मेट्रो में देखिए ट वर्ड आ रहा है और कोलकाता में भी ट वर्ड आता है, तो इस तरीके से आप इसे मैच कर सकते हैं। भारतीय रेलवे म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली चाणक्यपुरी, कैसे याद करेंगे आप? चाणक्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, और हमारे अर्थशास्त्र में या हमारे अर्थ, अर्थ यानी कि पैसा, पैसा कमाने में सबसे बड़ा योगदान है भारतीय रेलवे का, तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। कम से कम आपको ये चीज़ें याद होंगी तो आप जैसे ही आंसर देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत आंसर फ्लक्चुएट होगा कि हाँ इसका आंसर चाणक्य था। और बहुत ही फनी वे में हम आपको बता रहे हैं ताकि बिना स्ट्रेस के आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। एक से दो बार आप ये वीडियो सुनेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जैसे ही अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो ऑप्शन देख के तो आप फटाक से सही आंसर करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कहाँ पर शुरू हुआ? नई दिल्ली में। अब भारत की राजधानी नई दिल्ली यानी कि सबसे विकसित शहर है इंडिया में, तो वहीं पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सबसे पहले शुरू होगा क्योंकि कंप्यूटर का यूज़ किया जाना यानी कि विकास की निशानी है। जीवन रेखा एक्सप्रेस कब शुरू हुई? 1991 में। भारत के किन राज्यों में रेलवे की सुविधा नहीं है? मेघालय और सिक्किम। तो हम इसे ऐसे रिलेट करेंगे कि मेघा के पास सिक्के नहीं थे यानी कि पैसे नहीं थे। अब बिना पैसों के तो वो ट्रेन का सफ़र कर नहीं सकती, तो इस तरीके से आपको लेट हो जाएगा कि रेलवे की सुविधा नहीं उठा पाई मेघा, क्यों? क्योंकि उसके पास सिक्के नहीं थे, तो मेघालय और सिक्किम। रेल बजट पेश करने वाले पहले भारतीय थे हमारे जॉन मथाई। आप जानते होंगे कि रेल बजट पेश करने के पहले काफ़ी चिंतन, मंथन, मनन किया जाता है, तो हम मनन मंथन से रिलेट करेंगे मथाई यानी कि जॉन मथाई। जॉन मथाई जो थे हमारे भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे और रेल मंत्री भी थे। उस समय वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय अलग अलग नहीं था क्योंकि भारतीय बजट और रेलवे बजट एक साथ ही पेश किया जाता था, बाद में इसे अलग कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो आपका आंसर है वल्लरपडम केरला। तो सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है केरला में, और सेकेंड नंबर पे है रेलवे पुल जिसे कि हम अपर सोन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। तो जो साउथ साइड के लोग होते हैं उनके नाम बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे कि पीटी उषा, उसमें पी का फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, टी का फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। तो इसके जैसे कि इसका नाम ही है लाइफ लाइन ऑफ द नेशन, और ये वास्तव में अपने इस अर्थ को पूरा भी करता है। भारत की लाइफ लाइन ही है, एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ता है ये, ना ही सिर्फ व्यक्तियों को बल्कि बहुत सारे खाद्यान्न पहुंचाने के लिए भी, कोयला पहुंचाने के लिए भी रेलवे का यूज़ किया जाता है, तो ये वास्तव में इंडिया की लाइफ लाइन ही है। आगे बात करते हैं हम, रेल कोच फैक्ट्री RSF कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर है कपूरथला में। फैक्ट्री में भी आग लग जाती है और कपूर में भी आग लग जाती है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? यालाहका, बेंगलुरु। डीजल लोकोमोटिव मॉडर्निजेशन कहाँ पर है? तो आपका आंसर है पटियाला, पंजाब। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ पर स्थित है? चेन्नई। इंटीग्रल इसमें गर्ल वर्ड आ रहा है, और चेन्नई जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पर लड़कियों को काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है, और वहाँ के जो बोर्ड एग्ज़ाम का जब पेपर या रिजल्ट आउट होता है तो वहाँ की गर्ल्स टॉप 10 में आती हैं पूरे इंडिया में, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि गर्ल वर्ड आ रहा है तो इसका आंसर चेन्नई। PNR की फुल फॉर्म क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। अब क्योंकि हम ट्रेन के हिसाब से इन सारे फुल फॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो इनमें वो सारे वर्ड्स आएंगे जो कि हमें नॉर्मली रेलवे से रिलेटेड हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, IRCTC का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। TTE का फुल फॉर्म है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। एग्जामिनर यानी कि ये आपके टिकट को एग्जामिन करता है कि आपने वास्तव में टिकट कटाया है या नहीं कटाया है। फिर है हमारा IRS। IRS का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। TMS का फुल फॉर्म है ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम। RPF का आपने नाम बहुत सुना होगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। PRS का फुल फॉर्म है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम।
इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे ट्रेन से रिलेटेड ही होंगे। आर आर वी का फुल फॉर्म है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आर आर एफ का फुल फॉर्म है रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म। आई वी आर एस का फुल फॉर्म है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और इनके दोबारा पूछे जाने की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। होप सो फ्रेंड्स, आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपके पास और भी कुछ न्यू ट्रिक्स हैं, न्यू हैं, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि बाकी लोगों की भी सहायता हो सके। और कैसा लगा है आपको आज का सेशन वो भी हमें लिखकर बताएं। सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन ही है जो कि हमें लगातार आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।